एसी का यानी अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग करंट जो इस चैप्टर में हम पढ़ते आ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? ओवर डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट जो बैटरी से हमें मिल रहा है, और अल्टरनेटिंग करंट जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, जो हमारे मेन सप्लाई में आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है ओवर डायरेक्ट करंट? दो बहुत बड़े एडवांटेज है अल्टरनेटिंग करंट के। पहला कि अल्टरनेटिंग करंट को बहुत दूर तक भेजा जा सकता है। दूसरा, देखो अगर तुम ऐसे करोगे कि जैसे यहां बैटरी है, यहां एक बहुत बड़ी सी बैटरी है, लेकिन यूज हो रही है वो यहां से 50 किलोमीटर दूर, तो तुम्हें यहां ये समझदारी है क्या करना? नहीं ना, हम तो बैटरी वहीं लेके जाएंगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इतना ज्यादा पावर लॉस होगा। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह ज्यादा इजिली ले जाया जा सकता है। हम जानते हैं कि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, हम ऑल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं, बट ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में बन तो नहीं रहा है, या ऑल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है वो तो नहीं है हमारे घर में। ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स कहाँ है? ये जो पावर स्टेशन है या पावर प्लांट्स हैं, पावर स्टेशन भी नहीं, पावर प्लांट, जैसे थर्मल पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, विंड पावर प्लांट होता है, वहां पे बिजली बनाई जाती है और वो करंट हमारे घर तक आ रहा है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में ये पॉसिबल है एक छोटा सा चेंज करके, कि ऑल्टरनेटिंग करंट को बिना किसी मेजर एनर्जी लॉस के एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ये पहला एडवांटेज है इसका, और वो एडवांटेज भी इसलिए है क्योंकि जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का, दोनों का, वो ये कि इनको हम अपनी मर्जी से बढ़ा या घटा सकते हैं कितने भी टाइम्स। जैसे मेरे पास एक ये सेल है जो रिमोट कंट्रोल में डलता है, उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। जैसे मेरे पास 1.5 वोल्ट का सेल है, वो 1.5 वोल्ट ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसको 3 वोल्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का कोई सोर्स है जो 10 वोल्ट का है, तो मैं उसको 20 भी कर सकता हूं, मैं उसको 50 भी कर सकता हूं, मैं उस 10 वोल्ट को 1000 वोल्ट भी बना सकता हूं, और मैं उसे कम भी कर सकता हूं, मैं उस 10 वोल्ट को 1 वोल्ट भी कर सकता हूं। यानी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। बढ़ाने को बोलते हैं स्टेप अप करना, घटाने को बोलते हैं स्टेप डाउन करना। और ये करने में जो डिवाइस हमारी हेल्प करता है उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, इतना सा काम है इसका कि अल्टरनेटिंग करंट को अपनी मर्जी से कितने भी गुना बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और जो ऐसा करने में हमारी हेल्प करता है वो डिवाइस क्या है? ट्रांसफॉर्मर। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। बीच में मत जाया कर, जब टॉपिक चल रहा हो तब मत जाया कर, तो पहले मुंह धोया कर ना, बीच में जो क्लास के बीच में टाइम मिलता। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है दो तरह का, बट सबसे पहले हम लिखेंगे इसका प्रिंसिपल। यहां पे तो हमने ऊपर लिख दिया कि ये करता क्या है, दूसरा हम इसका लिखेंगे प्रिंसिपल, ये किस साइंटिफिक लॉ पे या किस साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस
या म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था, एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है तो उसके नेबरिंग कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी वर्किंग जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। इसकी कंस्ट्रक्शन में ये किन किन चीजों से बना होता है? सबसे पहले इसमें एक होता है लैमिनेटेड कोर, अभी ये सब समझाऊंगा मैं। लैमिनेटेड कोर, मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। दूसरा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। मेड अप ऑफ कॉपर। तीसरा, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं इसके अंदर। क्या क्या होती हैं, क्या काम करती हैं, कौन सी क्यों लगानी है, अभी सब हम पढ़ते हैं डिटेल में। लैमिनेटेड कोर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स एंड लोड रेजिस्टेंस। ठीक, और ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। और काम ये क्या करता है, एक अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को बढ़ाता है, यानी स्टेप अप करता है, या घटाता है, कम करता है। तो अब देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो इसका डायग्राम देखो सबसे पहले, अभी ड्रॉ मत करने बैठ जाना, सबसे पहले इसका डायग्राम देखो, लिख लो लिख लो, वो जरूरी है, लिख लो। देखो, लैमिनेटेड कोर हमने टर्म यूज करी है। लैमिनेटेड कोर क्या होता है? लैमिनेटेड कोर होता है, मैं इसको थोड़ा 3D में बनाऊं तब तुम्हें समझ आए। एक स्क्वायर शेप की प्लेट लो, शीट लो, सॉफ्ट आयरन की स्क्वायर शेप की शीट लो। उस स्क्वायर शेप की शीट को ऐसे बीच में से काट दो, एक स्क्वायर काट के निकाल दो, और ऐसी बहुत सारी शीट्स ले लो और उन सबको आपस में जोड़ दो। ऐसी एक शीट लेनी है, और बहुत सारी ऐसी शीट्स को आपस में जब जोड़ दोगे तो वो जो तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर है, बहुत सारी जो शीट्स हैं वो कैसी दिखाई देंगी? कंट्रोल करना पड़ेगा, ऐसा दिखेगा। ये सारी शीट्स दिखेंगी ना इधर से ऐसे। और यही शीट्स इस तरफ से ऐसी दिखेंगी। ठीक है, ये तो ये लैमिनेटेड कोर है।
लैमिनेटेड कोर का मतलब क्या है? तो ऐसी हमने शीट्स ली, एक स्क्वायर शीट ली, उसमें से स्क्वायर निकाल लिया, ऐसी बहुत सारी शीट्स को आपस में जोड़ दिया। हमने हमने करना क्या था, हम चाहते क्या थे, इस शेप का एक पूरा ब्लॉक लेना, हमें इस शेप का एक कंप्लीट ब्लॉक चाहिए था। पर हमने एक पूरा ब्लॉक लेने की बजाय हमने क्या लिया, पूरा ब्लॉक नहीं लिया, उस शेप की शीट्स को काटा और उन्हें जोड़ा, समझ गए, पूरा ब्लॉक नहीं लिया। तो ऐसे में ये जो हम शीट्स को जोड़ के ये जो ब्लॉक बना रहे हैं, और ये कोर का काम करेगा, कोर का मतलब होता है जो बीच वाली चीज होती है और उसी के ऊपर बाकी चीजें लगाई जाती हैं, तो ये कोर का काम करेगा। तो हमने क्या किया, एक पूरा ब्लॉक लेने की बजाय ऐसी शीट्स को आपस में जोड़ के कोर बनाया, उसी को बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा किया, क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई द कोर इज लैमिनेटेड, क्वेश्चन आता है व्हाई द कोर इज लैमिनेटेड, टू रिड्यूस एडी करंट्स। कोर को लैमिनेटेड बनाया जाता है एडी करंट्स को कम करने के लिए। अब ये एडी करंट्स क्या होते हैं, एडी करंट्स टॉपिक था तुम्हारे सिलेबस में जो कट गया, इसलिए मैंने पढ़ाया न्यूज टाइम पे, थोड़ा सा अब इसका इंट्रो ले लो क्योंकि यहाँ पे तुम्हें टर्म आ गई है। एडी करंट क्या होता है कि जैसे कोई बल्क पीस है, बल्क समझते हो, अब तक हमने बात करी है कॉयल की, कॉयल तो जैसे ऐसे वायर्स ली और ऐसे उसको मोड़ के कॉयल बना दिया, कॉयल की बात करी है, रॉड की बात करी है। बल्क मतलब एक मेटल का पीस सोचो, एक मेटल का पीस सोचो, स्फेरिकल या क्यूबॉइडल, एक बड़ा मोटा मेटल का पीस सोचो। अगर ऐसे पीस को बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए, चलाया जाए, ऑसिलेट करा जाए, किसी भी तरह का मोशन उसके साथ करा जाए, बट करा ऐसे जाए कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा हो, तो उसके अंदर करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं एडी की फॉर्म में। एडी क्या होता है कि जैसे पानी होता ना, पानी जैसे नदी बह रही है तो एडीज बन जाते हैं बीच में, जैसे ऐसे तुमने देखा हो घूम के पानी गिरता है अंदर, हाँ गोल 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 घूम के पानी गिरता ना अंदर, वो एडी बन जाता है, उसको बोलते हैं एडी। तो वहां से टर्म आई है एडी करंट, क्योंकि ऐसा बल्क पीस लोगे, वायर की बात नहीं कर रहा, लूप की बात नहीं कर रहा, बल्क मोटा एक मेटल का पीस लोगे, और जैसे इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड है, इस रूम में मैं उस मेटल के पीस को बहुत तेज तेज चला रहा हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसके अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाते हैं, मतलब करंट्स इंड्यूस हो जाते हैं एडीज की फॉर्म में। तो उस करंट की वजह से बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और वो फालतू का एक एनर्जी लॉस होता है। उस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो मेटल का ब्लॉक है हम उसको एक, और वो होता मेटल के ब्लॉक में ही है, बल्क पीस में है, तो हम उसको बल्क पीस ना लेके हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी इसको शीट्स की फॉर्म में कट करके लगाते हैं, समझे। तो क्योंकि एडी करंट में काफी कुछ था, मैंने तो जस्ट बहुत ही थोड़ा सा इंट्रो दिया, तुमको पूछा जा सकता है कि भाई व्हाई कोर इज लैमिनेटेड, तो तुम तो एक लाइन में सिर्फ लिखाओगे कोर इज लैमिनेटेड जस्ट टू रिड्यूस एडी करंट्स, उसमें एक्सप्लेनेशन तुमको देनी नहीं, या एमसीक्यू में पूछेगा चार रीजन दिए होंगे, उनमें से एक ये रीजन होगा, ठीक। तो ये हमारा सॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक लैमिनेटेड कोर है, इस पे हमने दो कॉइल्स घुमा के चढ़ा देनी है कॉपर की, एक इस तरफ और उस पे लगा देना इनपुट एसी, जिसको हमने बढ़ाना है या घटाना है, यानी जिसको स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। और दूसरी तरफ एक और कॉइल होता है जिस पे हमको आउटपुट मिलता है। देखो एक काम क्या है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का काम है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, ठीक है। एक कॉइल इस तरफ है, एक कॉइल इस तरफ है, और एक दूसरी तरफ वाली इस पे साइड पे हमने ऐसे इसको रैप कर दिया, और यहां पे है
एक लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब कुछ नहीं होता, लोड रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ही होता है जिसपे हमें आउटपुट मिलता है। तो ये इनपुट हमने लगाया हुआ है, ये इनपुट की वजह से ये इनपुट को हमको क्या करना है, बढ़ाना है या घटाना है, यानी स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है। तो ये इनपुट यहां पे हमने लगाया है, तो यहां पे हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला। तो जहां पे हमें आउटपुट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस। समझ गए। और ये बहुत पास पास होते हैं क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में ये जरूरी है कि दो कॉइल्स जो है वो आसपास ही हों, ताकि एक के थ्रू जो फ्लक्स लिंक्ड है उससे दूसरे के थ्रू भी फ्लक्स लिंक हो सके। अगर वो दूर दूर होंगे तो ऐसा नहीं होगा, बहुत पास पास होते हैं। एनसीईआरटी में तो बहुत ही इजी डायग्राम है, वो वाला बनाओगे तो भी चलेगा, बट उससे ज्यादा समझ नहीं आती चीजें, इसलिए ये वाला बनाया है, वो भी दिखा दूंगा। ठीक, इस वाले को बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। इस तरफ ये जो कॉइल है इसको बोला जाता है प्राइमरी कॉइल। इधर वाले को बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल। अब हम यहां पर कुछ अल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाएंगे, जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट, और वो हमें बढ़ के यहां पे या घट के, मान लो हम बढ़ा रहे हैं तो हमें बढ़ के यहां पे मिलेगी। जैसे हमने 10 वोल्ट वहां लगाई तो 50 मिलेगी यहां, या कितनी बढ़ानी है वो हम पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की। दो तरह के ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है। एक्चुअली में हमने जो नाम रखे हुए हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये हमने वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे हुए हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है, यहां पे देखो जो वोल्टेज है ना, ये प्राइमरी कॉइल है, तो जैसे करंट है, वोल्टेज है, एनर्जी है, पावर है, अगर मैं उसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं पी, यानी मैं प्राइमरी वाली साइड की बात कर रहा हूं, अगर मैं सबस्क्रिप्ट लगा रहा हूं एस, यानी मैं सेकेंडरी वाली साइड की बात कर रहा हूं। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो है जो वोल्टेज को बढ़ा देता है, यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन वोल्टेज इन प्राइमरी। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज तो बढ़ा देता है लेकिन करंट घटा देता है। तो करंट अगर वो घटा देता है तो इसका नाम स्टेप डाउन होना चाहिए, पर हमने नाम रखे हैं वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज है तो यहां पे सेकेंडरी करंट इज लेस देन प्राइमरी करंट होगा, सो दैट इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में सेकेंडरी वोल्टेज छोटा होता है प्राइमरी से एंड सेकेंडरी करंट बड़ा होता है प्राइमरी करंट से। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग एंड थ्योरी बताते हैं शॉर्ट में। हमने पढ़ा था वोल्टेज क्या होता है, वी पी इज इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाय डी टी। फैराडे का लॉ था, वोल्टेज होता है माइनस नंबर ऑफ टर्न्स इंटू डी फाइव बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। एज वी पी इज प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा, माइनस एन पी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इंटू डी फाइव बी बाय डी टी, एंड एज्यूमिंग नो फ्लक्स लीकेज एज्यूमिंग नो फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि
कुछ फ्लक्स ऐसा है जो इसके साथ लिंक्ड है, बट कुछ इसके साथ लिंक नहीं है। मतलब जैसे इसमें 1 लाख टर्न्स हैं, 1 लाख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इसमें 1 लाख नहीं है, कम है थोड़ी सी। दैट इज द फ्लक्स लीकेज, कि जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड होगा उतना इसके साथ लिंक नहीं होगा, कम होगा, लेकिन हम मान रहे हैं कि उतना ही होगा। तो एज्यूमिंग नो फ्लक्स लीकेज, सेकेंडरी वाले के लिए भी मैं यही इक्वेशन लगा सकता हूं, डी फाई बाई बी बाई डी टी ही लिखूंगा उसमें, क्योंकि मैं यही मान रहा हूं कि जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स इसके साथ भी लिंक्ड है। तो वीपी हो गया माइनस एनपी इंटू डी फाई बी बाई डी टी, और वीएस हो गया माइनस एनएस इंटू डी फाई बी बाई डी टी। इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, देयरफॉर वीएस बाय वीपी माइनस एनएस इंटू यही फाइनल इक्वेशन है जिससे हमें इसकी पूरी वर्किंग समझ में आ जाएगी। अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो फ्लक्स फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कट गया, वी एस बाय वी पी क्या हो जाएगा, एन एस बाय एन पी। इसका मतलब है जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम्स ज्यादा होंगी उस तरफ मैग्नेट उस तरफ वोल्टेज भी उतने टाइम्स ज्यादा होगी। दिस रेशियो इज कॉल्ड, वी एस बाय वीपी की रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। वी एस बाय वीपी की रेशियो को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को के से डिनोट करते हैं। तो अगर के 1 से बड़ा हो, दैट इज वी एस बाय वीपी इज ग्रेटर देन 1, और वी एस इज ग्रेटर देन वीपी, और अगर वी एस ग्रेटर देन वीपी है तो एन एस इज ग्रेटर देन एनपी आएगा। वी एस इज ग्रेटर देन वीपी है तो एन एस इज ग्रेटर देन एनपी आएगा। एंड यही हमारा फंडा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है पूरी की पूरी रेशियो। वोल्टेज की जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। तो जिस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम्स ज्यादा होंगी उस तरफ वोल्टेज भी उतने टाइम्स ज्यादा होगी। यहां पर मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 टर्न्स दिखाई हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्न्स दिखाई हैं। तो ये हमने एक तरीके से क्या बनाया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है। यहां पे कम अप्लाई करोगे उधर ज्यादा मिलेगा, यहां पे 10 गुना ज्यादा टर्न्स रख दी, यहां 100 टर्न्स है वहां 1000 टर्न्स है, 10 गुना ज्यादा टर्न्स रख दी तो यहां 10 वोल्ट लगाओगे तो वहां 100 मिलेगा, 10 टाइम्स ज्यादा टर्न्स रखी है तो 10 टाइम्स ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। और अगर के लेस देन 1 हो तो उसे बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के इज लेस देन 1, वी एस बाय वी पी इज लेस देन 1, वी एस इज लेस देन वी पी और एन एस इज लेस देन एन पी। दैट इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
पावर इनपुट, पावर होता है वी इंटू आई, पावर इनपुट होगा वीपी आईपी, पावर आउटपुट होगा वीएस आईएस, एज्यूमिंग नो पावर लॉस। मान लो पावर लॉस है ही नहीं, जो कि गलत है। अगर हम मान लें कि देयर इज नो पावर लॉस प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो हम ये बोल सकते हैं कि वीपी इंटू आईपी इक्वल टू वी एस इंटू आई एस, तो वी एस बाय वीपी की वैल्यू आएगी आईपी बाय आई एस, वी एस बाय वीपी की वैल्यू आएगी आईपी बाय आई एस। तो फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर For step up transformer, Vs is greater than Vp, therefore Is is less than Ip. देखो ये दोनों का रेशियो उल्टा हो गया, Vs by Vp, Ip by Is हो गया। Step up transformer में secondary voltage ज्यादा primary कम है, तो primary current ज्यादा होगा secondary current कम होगा। मतलब तुम ये भी तो देखो ना कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है कि 10 वोल्ट से मैं कह रहा हूं वो 100 वोल्ट हो गया, तो कोई जादू तो हो नहीं रहा। अब इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी दो तरीके से होती है, एक तो वोल्टेज और एक करंट। तो एक तरह की एनर्जी अगर बढ़ेगी तो दूसरी तरह की एनर्जी कम भी होगी। तो वोल्टेज तो बढ़ जाती है लेकिन करंट उतना ही टाइम कम हो जाता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट कम हो जाता है, एंड फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर उल्टा। For step down transformer, voltage of secondary is less than voltage of primary. Therefore, current in secondary is more than current in primary. ठीक। लेकिन हमने एक assumption ली है कि there is no power loss. लेकिन power loss तो हो गई। ऐसा कभी नहीं हो सकता input power और output power जो है वो बराबर हो। तो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होगी? एफिशिएंसी होगी ईटा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू 100 VSIS VPIP इंटू 100। ठीक है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। सो एक्चुअल एफिशिएंसी ऐसे आएगी, बट यहां पे हमने दोनों को बराबर मान लिया तो एफिशिएंसी 100% हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ट्रांसफॉर्मर के एनर्जी लॉसेस देखो, पहला एनर्जी लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? जब ये जो कॉइल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं, ये कॉपर के हैं, तो जब इनमें करंट जाएगा तो बार बार हीट प्रोड्यूस होगी। करंट जाएगा तो I²RT हीट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ लॉस, एनर्जी लॉस हुआ ना वो, तो उसको बोलते हैं कॉपर लॉस।
लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। दूसरे को बोलते हैं आयरन लॉस। जो कोर है वो आयरन का बना है और आयरन भी एक मेटल होता है और वो मेटल मेटल के साथ कॉन्टैक्ट में है तो कोर में भी हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से जो एनर्जी लॉस होगा उसे क्या बोलेंगे? आयरन लॉस। हीट प्रोड्यूस, हीट लॉस इन आयरन कोर नंबर 3, एडी करंट। हमने लैमिनेटेड कोर बना के एडी करंट्स को मिनिमाइज कर लिया लेकिन खत्म नहीं करा, तो एडी करंट्स की वजह से जो हीट लॉस होगा वो नंबर 4, हिस्टेरेसिस हिस्टेरेसिस क्या होता है? जब देखो ये जो कॉइल्स हैं कॉपर के, ये जो कॉइल्स हैं है ना, इन कॉइल्स में करंट जब जाएगा एक तरफ नॉर्थ पोल बनेगा दूसरी तरफ साउथ पोल बनेगा, तो इन इनमें और इनके अराउंड क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन पड़ा हुआ है? आयरन का कोर। कॉपर कॉइल्स ने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उस मैग्नेटिक फील्ड में कौन रखा हुआ है? आयरन का कोर। वो आयरन का कोर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज क्यों होगा? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है ना, पहले ये करंट बढ़ता है फिर कम होता है फिर बढ़ता है फिर कम होता है, तो आयरन का जो कोर है वो मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ फिर मैग्नेटाइज हुआ फिर डीमैग्नेटाइज हुआ। अब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने का मतलब क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब में एटम्स हैं, और अगर तुम एटम को देखो, जैसे एक एटम है, एक एटम को देखो, अगर ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो अगर एटम को देखो तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक तरफ देखने में जैसे ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसी को अगर दूसरी तरफ से देखोगे तो कैसा घूमता हुआ दिखाई देगा? एंटी क्लॉकवाइज। और करंट होता है इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टे डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे है एंटी क्लॉकवाइज। यही करंट दूसरी तरफ से देखने पे कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। जिस तरफ एक लूप में करंट क्लॉकवाइज होता है उस तरफ साउथ पोल होता है, और जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज होता है उधर नॉर्थ पोल होता है। तो हर एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, हर एक एटम दिया है क्या? ओ थर्टी थर्टी वेरी गुड। चांदनी चौक का खान अच्छा थोड़ी दिन वाह मिला है और दो टॉपिक। अच्छा ठीक हर एटम अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, एक तरफ करंट क्लॉकवाइज है दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज, और डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट होती है। डाइपोल जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पड़ा था, प्लस क्यू इधर है माइनस क्यू इधर है और इसकी डाइपोल मूवमेंट होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। मैग्नेटिज्म में नेगेटिव की जगह हम क्या ले लेते हैं? साउथ पोल। पॉजिटिव की जगह हम क्या ले लेते हैं? नॉर्थ पोल। तो एक डाइपोल मोमेंट
क्वांटिटी होती है मैग्नेटिज्म में भी, विच इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट भी बोल सकते हैं और मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोल सकते हैं, वो मैग्नेटिक मूवमेंट होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। जैसे इस तरफ जो है करंट तुम्हारा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या है? हाँ 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 तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा क्या? तो तुम्हें अलग से आंसर पूछना पड़ रहा है। अरे टॉपिक तुमने पढ़ा होता तो आंसर भी तुम्हें पता होता। अगर वो टॉर्क, अगर वो डाइपोल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर सिर्फ टॉर्क लगता है, नेट फोर्स जीरो होती है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर दोनों लगते हैं। हाँ सो सो को पढ़ते हैं जो उन्हें भी पता है, सीधी बैठ जाएगी ना तो पढ़ लेगी ठीक से, मरी पड़ी है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अब तो तुम यहाँ बैठ के क्लास अटेंड कर ही रहे हो ना, तो टेढ़े मेढ़े बैठ के करोगे तो तुम्हारे लिए और दिक्कत होगी, मैं ये कह रहा हूँ। तो कष्ट दो बॉडी को, इतनी मुश्किल से सस्ती ढूंढ के लाए तुम लोग, तब भी शिकायत कर रहे हो। अभी वैसे स्टूडेंट रहे नहीं ना हमारे, पिछले साल थे जो। इन्हें भी पता, इस तरफ से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर क्या होगा? नॉर्थ पोल। पीछे की तरफ करंट क्या है? क्लॉकवाइज। तो उधर क्या होगा? साउथ पोल। तो इस लूप की एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी साउथ से नॉर्थ। साउथ है पीछे की तरफ, नॉर्थ है आगे की तरफ, तो पीछे से आगे की तरफ इसकी एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगी। लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए तुमको सिर्फ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करना है और थंब से तुम्हें एक लूप की मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो हर एटम की अपनी एक मैग्नेटिक मूवमेंट, और एक मटेरियल में सारे एटम्स जो है वो रैंडमली बिखरे हुए हैं, तो किसी की मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगी, किसी की इधर होगी, किसी की इधर होगी। वही मटेरियल मैग्नेटाइज्ड कहलाता है जिसकी एक नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आए, यानी उसके सारे एटम्स की मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, सारे नहीं तो बहुत सारों की तो होनी चाहिए। तो जैसे आयरन है, आयरन वैसे वो मैग्नेटाइज नहीं होता है, लेकिन अगर वो एक मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में होता है वो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है, वो भी मैग्नेट बन जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेट के कॉन्टैक्ट में आते, यानी मैग्नेटिक फील्ड में आते ही आयरन के ये सारे क्या हो जाते हैं? एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। वैसे रैंडमली अलाइन होते हैं बट मैग्नेटिक फील्ड में आते ही सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये इनको डोमेन्स बोलते हैं, बट वो टर्म मैं यूज नहीं करना चाहता अभी। तुम्हें समझ में आ गई ना बात कि एक एक एटम ऐसे टेढ़ा पड़ा होगा, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट इधर है, किसी की इधर है, किसी की इधर है, तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी। बट अगर तुम उसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो ये है क्या? डाइपोल्स हैं। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब डाइपोल को रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, यानी वो अपने आप को अलाइन करने लगता है। तो ये सारी की सारी, इन सारे एटम्स की मैग्नेटिक मूवमेंट अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी तो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो क्या होगा? वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और फिर से लगा दूं तो क्या होगा? फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो उसके जितने भी डोमेन्स हैं ये, वो बेचारे अलाइन हो रहे हैं, डी अलाइन हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, डी अलाइन हो रहे हैं, इसमें वर्क लगता है। तो ये एक एनर्जी लॉस है, इसे बोलते हैं हिस्टेरेसिस, जो हमने यहां पर चौथा पॉइंट लिखा। क्लियर है? हिस्टेरेसिस भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक था जो सिलेबस में था, एडी करंट भी था, वो सब काट दिया ना, इसलिए यहाँ पे बस छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो उतना ही समझ लो, वैसे तो काफी कुछ था इनके अंदर। और पांचवा है लॉस, जिसे बोलते हैं मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन, विच इज द हमिंग नॉइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के पास से जब तुम निकलोगे, ट्रांसफॉर्मर होता कहां है? सीख तो हमने लिया कि ट्रांसफॉर्मर ये करता है, वो करता है, ये होता कहां है? ये ट्रांसफॉर्मर हर साइज में आते हैं। अगर हम अपने
रूम की बात करें तो ये रहा ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर है। चार्जर है, ये चार्जर इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि इस कमरे में जो मेन सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्ट है, लेकिन जो लैपटॉप चार्ज होगा वो 20 वोल्ट पे होगा। अगर मैं डायरेक्ट लगा देता हूं तो 220 पे इसकी सारी वायरिंग खत्म हो जाएगी जल के, तो मुझे बीच में एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो 230 को किसमें स्टेप डाउन कर सके, 20 में, तो लैपटॉप चार्ज होगा। मोबाइल फोन, कोई भी चीज जो चार्ज हो रही है, तुम देखो वो डायरेक्ट प्लग नहीं लग सकता, उसके बीच में एक डब्बा आता है, वो डब्बे में ट्रांसफॉर्मर है। इसमें एक और चीज भी होती है विच इज कॉल्ड रेक्टिफायर, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी हम पढ़ ही नहीं रहे उसके बारे में। तो ट्रांसफॉर्मर भी है इसके अंदर। सर, जो हाँ, उनके अंदर है, यूएसबी के अंदर नहीं है, जो स्विच स्पेशली बनाए गए हैं यूएसबी लगाने के लिए उसके अंदर है। या ये पड़ा है ना, वो पड़ा है वहां पे, उसमें यूएसबी लग जाता है डायरेक्ट, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर, समझे? तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं, ये 230 को 20 में कर रहा है स्टेप डाउन। हमिंग नॉइज भी बताते हैं। सो दूसरा, अगर कोई भी ऐसी चीज है जो सेल पे चलती है लेकिन वो सेल के बिना भी चल सकती है अडेप्टर लगा के, अडेप्टर का भी तो यही काम है। तुम्हारे पास पियानो वगैरह होगा, कीबोर्ड जो बजाने वाला, 6 सेल पे 8 सेल पे चल जाता है वो, 4 सेल पे अगर वो चल रहा है तो 1.5 × 4 6 वोल्ट पे चलता है वो। अब अगर सेल वेल कभी नहीं है तो उसके साथ एक अडेप्टर भी आता है, तो तुम मेन सप्लाई पे भी चला सकते हो अडेप्टर लगा के, क्योंकि वो अडेप्टर मेन सप्लाई के 230 को 6 में स्टेप डाउन कर देगा। तो ये ट्रांसफॉर्मर है। और बड़े लेवल पे जाएं तो ट्रांसफॉर्मर कहाँ है, जैसे हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं तो इस सोसाइटी के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर होगा। वो क्यों है? जो मेन पावर प्लांट है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है बहुत हाई वोल्टेज पे, ठीक है? लेकिन जब उसको यहां तक लाया जा रहा है, मुझे घर में तो 230 यूज करना, तो हाई पे क्यों बनाते हैं? या हाई पे ना बनाएं तो हाई वोल्टेज पे एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती है। तुमने ये वाली तुमने कभी सुना होगा, कभी सुना होगा 440 वोल्ट, 1100 वोल्ट, 11000 वोल्ट, सुना है? नहीं सुना? बड़ी कॉमन टर्म्स हैं। देखो क्या होता है कि जैसे एक पावर प्लांट है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है बाकी शहरों में, जहां स्केलेटन का साइन होता है, डेंजर लिखा होता है, वहां 440 वोल्ट लिखा होता है, 1100 वोल्ट लिखा होता है। अभी बताता हूं। तो जहां पे पावर प्लांट है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई, अब उस इलेक्ट्रिसिटी को भेजना है बहुत दूर दूर शहरों में। अब वो वायर्स के थ्रू जाएगी, वायर्स के थ्रू जाएगी तो हीट जो होगी I²RT, वो करंट जब वायर्स के थ्रू जाएगा और एक सिटी से दूसरी सिटी, और रेजिस्टेंस भी है वायर का, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि दूसरे शहर तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बहुत हाई वोल्टेज पे करंट भेजते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के, जहां बिजली बनाई वहां स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज बहुत हाई कर दी। क्यों? क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज करने पर करंट लो हो गया, हाई वोल्टेज पे अगर भेजोगे तो करंट कम नहीं हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो पावर लॉस कम होगा। और फिर जब हमारे शहर में वापस आया तो हमने यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा के वोल्टेज कम कर ली, हाई वोल्टेज पे आया 11000 वोल्ट पे मेरे पास आया, फिर वो आएगा यहां पे एक पावर स्टेशन में, वो 11000 को कम कर देगा, फिर वो अपने सब पावर स्टेशन में जाएगा, वो 11000 को और कम कर देगा, फिर वो सोसाइटीज में जाएगा वो और कम कर देगा, फिर वो हमारे घर तक आएगा, हमारे घर तक आके वो कितना हो जाएगा, 230। तो हर जगह ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, है ना, डाउन करते करते, और यहां तक रुकी नहीं है, और फिर मैं उसी 230 से अपना डिवाइस चार्ज कर रहा हूं तो और कम कर देगा, ठीक है? क्वेश्चन आता है कि वाइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन टेक प्लेस एट हायर वोल्टेज टू रिड्यूस द करंट, so that the power loss can be reduced.
समझ में आया? सो दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो ये बाहर निकलोगे तुम, बड़े बॉक्स लगे होंगे या खंभे पे ट्रांसफॉर्मर लगे होंगे, फोटो दिखाता हूं, तुमने देखे भी होंगे, तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम्हें याद नहीं आ रहा। ट्रांसफॉर्मर, अबे ये ट्रांसफॉर्मर है बड़ा सा, ठीक है, ये लगा रहा था खंभे पे, वो लगा हुआ, ये लगा हुआ, ठीक है, ये वो लगा हुआ है, एग्जिट गेट के बाहर लगा हुआ है खंभे पे ट्रांसफॉर्मर, वो हमारी सोसाइटी के लिए है और फिर हमारे घर में वो स्टेप डाउन होके आ रही है, ठीक है ना, वोल्टेज। तो हमने यहाँ पे लिखा मैग्नेटो रिस्ट्रिक्शन विच इज द हमिंग नॉइज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के जो कॉइल्स हैं, ट्रांसफॉर्मर के जो कॉइल्स हैं उन कॉइल्स में करंट जा रहा है, करंट जाने से क्या होता है कि एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है कॉइल में तुमने पढ़ा, दूसरी तरफ साउथ पोल बन जाता है, लेकिन फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो जिस तरफ नॉर्थ बना था उस तरफ साउथ बन जाता है। तो पहले करंट बढ़ता है, फिर घटता घटता घटता, बढ़ता बढ़ता बढ़ता, घटता घटता घटता, तो ये कॉइल्स क्या करते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, पहले अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कम अट्रैक्ट, ज्यादा अट्रैक्ट कम अट्रैक्ट, ज्यादा अट्रैक्ट कम अट्रैक्ट, इससे साउंड पैदा होती है। अगर ट्रांसफॉर्मर बहुत छोटा हो तब हमें नहीं सुनेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर हो, ये जो तुमने बोला यहाँ लगा हुआ है बाहर, इसके पास खड़े होकर सुन, साउंड तुम्हें सुन सकता है, इससे भी बड़ा ट्रांसफॉर्मर होगा, मॉल वॉल की बेसमेंट में जाओगे तो तुम्हें साउंड सुनाई देगा, हमिंग नॉइज ट्रांसफॉर्मर की। एंड साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी लॉस। तुम पहले पैकिंग शुरू करो, है ना, निकलो।